नमस्कार किसान मित्रों, आज एक बार फिर हमारी YouTube चैनल के माध्यम से गेहूँ की बोनी सूखे में किस प्रकार करते हैं। तो किसान मित्रों, आप ये जो खेत देख रहे हैं, लगभग इसमें दो बार कल्टीवेशन करने के बाद हमने इसमें रोटावेटर किया, फिर उसको लगभग दो से तीन रोज इसमें खाली छोड़ा। एकदम धूप कड़क पड़ रही है तो काफ़ी खेत सूख गया है, इसमें नमी नहीं है और नमी नहीं होने के कारण इसमें गेहूं सूखे में बोने में गेहूं ख़राब नहीं होगा। और सूखे में लगभग गेहूं 60 से 70 किलो की बोनी होती है गेहूं की, जिससे बीज की भी बचत होती है और खाद की भी किसानों को काफ़ी बचत होती है। और पूरा दाना एक समान इसमें जर्मिनेट होता है। लगभग हम एक एकड़ में 1.5 बोरी DAP और 70 किलो गेहूं की सोइंग कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें सूखे में क्रॉसिंग में बोनी करेंगे। और इसमें हमने रेक्सिल का ट्रीटमेंट किया है और ये देख रहे हैं आप, आज से गेहूं की बोनी की शुरुआत कर दी है। और ये जो गेहूं बो रहे हैं हम, ये सिर्राम का 303 गेहूं है जो हमारे यहाँ 303 के नाम से चलता है। नाम तो इसका ज़िले में सिर्राम 303 के नाम से ये फेमस है और बहुत अच्छी पैदावार है इस वैरायटी की और लगभग हर मौसम सहन करने की क्षमता है इस गेहूं में। लगभग वर्षों से हम इसकी बोनी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सूखे में बोनी चल रही है, बढ़िया खेत सूखा हुआ है। तो किसान मित्रों, आपके भी यदि खेत कंप्लीट हो गए हैं तो गेहूं की सोइंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी ठंड आ गई है, मौसम में चेंज आ गया है, ठंडी भी चालू हो चुकी है, तो आप गेहूं की बोनी कर सकते हैं। और हमने चने भी लगभग बो दिए हैं, 10 दिन में चने की भी आपको रिपोर्ट देंगे कि उसका कैसा रहा। तो ये गेहूँ की जानकारी हम आपको हर स्टेज पे हर वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।